तो दोस्तों, मेरा नाम है माइकल। फिर से आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल माइकल वीडियो हाई टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग के अंदर आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, चाहे आप PDF में चाहे आप ईमेल में, आप दोनों में से किसी में भी आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। आप कितना क्रेडिट किया और कितना डेबिट किया, इस तरह की पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम जब भी ऑनलाइन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो, 2 महीना 3 महीना इस तरह की आपको पेमेंट स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बैंक आपको जाना पड़ता था और बैंक में कुछ फॉर्म भरो ये हो, तो आपको ऐसा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप अपनी मोबाइल के अंदर, अपने मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आप डाउनलोड करके ले सकते हैं आसानी से। आप देख भी सकते हैं पूरा रिकॉर्ड अपनी बैंक की, जितना डेबिट हुआ जितना क्रेडिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पर मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैं मोबाइल बैंकिंग को ओपन करता हूँ। ओके, अभी इस तरह के पेज ओपन हो गया है और यहाँ देखिए, पहला है माय अकाउंट और फिर एम पासबुक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो फंड ट्रांसफ़र के बारे में मैंने पिछले वीडियो बना चुका हूँ, आप कैसे फंड ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा कैसे भेजना है, आप वहाँ चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट निकलना है हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एम पासबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप माई अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एम पासबुक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, एम पासबुक में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका अकाउंट नंबर और यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा आपकी, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है। तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह का एक पेज ओपन हो गया आपके सामने। ऊपर है अकाउंट नंबर और इस तरह यहाँ पे बैलेंस शो होगा और नीचे ट्रांजेक्शन है, डेट है, डेस है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है नंबर, लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ फ्रॉम अमाउंट आप कितना का देखना चाहते हैं, कितना दिन का, कितना महीना का, कौन सी डेट का, कौन सी महीना का, ठीक है। और आपको ये नीचे आके देखिए ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्रेडिट, जितना आप क्रेडिट किया है खाली वो देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ डेबिट देखना चाहते हैं, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों, ठीक है। तो चलिए मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों ही यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ऊपर आता हूँ। यहाँ पर डेट, आपको डेट पे क्लिक करना है। जैसे कि डेट पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम डेट में आपको फिर से क्लिक करना है, जैसे कि आप कौन सी महीना का अकाउंट से लेके आज तक की अकाउंट अगर आप देखना चाहते हैं, तो चलिए आप ये सितंबर महीना है तो ये देखिए ये जून है, ठीक है, ये जून है। चलिए मैं जून 20 से लेकर जून 20 में यहाँ पे ओके कर दिया और टू डेट, तो यहाँ पे अगस्त 20, ओके, जून 20 से लेके अगस्त 20 का मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने ओके कर दिया और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोम अमाउंट लिखा है, आप कितना अमाउंट से लेकर कितना अमाउंट तक आप देखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए हम गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे गेट स्टेटमेंट पे हम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपकी पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा 3 महीना का, जो कि मैंने 3 महीना का ही किया है। आप और भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए 3 महीने के अंदर मैंने कितना डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया, ये देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अभी नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे जेनरेट PDF लिखा है और दूसरा है ईमेल स्टेटमेंट और मोर, ठीक है। अगर आपको ईमेल के जरिए आप लेना चाहते हैं तो ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे वो स्टेटमेंट चला जाएगा। और यहाँ पे जेनरेट PDF, अगर आपकी मोबाइल के अंदर PDF अगर आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको PDF का ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए मैं PDF में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे PDF में आपको क्लिक करना है। PDF में जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है पासवर्ड फॉर PDF इज फर्स्ट आवर डिजिट्स,
फॉलोड बाय लास्ट और डिजिट फॉर से मोबाइल नंबर। ओके तो चलिए यहाँ पर मैंने अगर जैसे कि मैं इसके ओके कर देंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, और जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पहला का 4 अंक और लास्ट का 4 अंक 8 अंक का आपको यहाँ पे डालना होगा तभी ये ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये डाउनलोड हो गया है, अब इसे हम ओपन करेंगे। देखिए जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पहला 4 अंक, ठीक है। तो सबसे जैसे कि मेरा पहला नंबर है, मैं यहाँ पे पहला 4 अंक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके पहला 4 अंक मैंने डाल दिया, और बीच का छोड़ के 10 नंबर में से बीच का छोड़ के लास्ट का फिर से 4 अंक आपको डाल देना है। ओके मैंने लास्ट का भी 4 अंक डाल दिया, अब इसे ओपन करेंगे। ये देखिए ओपन करने के बाद इस तरह का पूरा ट्रांजैक्शन 3 महीना का आपका पीडीएफ स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी है, यानी तैयार है। देखिए तो और आप इसको यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पे 3 लाइन देख रहे हैं ऊपर, तो 3 लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे या सेंड फाइल डाउनलोड यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, और सेंड फाइल में क्लिक करके आप किसी को भी व्हाट्सअप के जरिए भेज सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। और आपको पता है बेल की घंटी क्यों दबाना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की जानकारी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।